हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। मित्रों, आप दर्शकों की तरफ से लगातार आपकी क्वेरीज, आपके प्रश्न मुझे मिलते रहते हैं, ईमेल के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से, आप लोग व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं। देखिए, नौकरी पाने के लिए, अच्छी मनचाही नौकरी पाने के लिए मैंने पहले भी ढेरों उपाय बताए। मैंने अपने सारे टीवी शोज में बताया, 10-12 साल से लगातार मैं टीवी और यूट्यूब कर रहा हूँ, तो मेरा चैनल जो है वो भरा पड़ा है मनचाही नौकरी और सफलता पाने के उपायों से। लेकिन फिर भी जो लोग हाल फिलहाल में नए जुड़े हैं, उन्होंने शायद वो पुराना वीडियो नहीं देखा, तो फिर उनकी तरफ से डिमांड आई कि मनचाही नौकरी और जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए, मनचाहा जॉब पाने के लिए आप उपाय बताइए। तो आज फिर से आपके लिए कुछ नए उपाय मैं लेकर के आया हूँ। अगर आप देखिए, हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। जो भी बच्चा जो है पढ़ के निकलता है, तो उसे लगता है कि पढ़ के निकलते ही जो है मुझे कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से या उसके अलावा कहीं अच्छी सी नौकरी मिले, जैसी मैं चाहता हूँ, मेरी लाइफस्टाइल जो है वो बेस्ट हो जाए और मैं अपनी फैमिली वालों को भी सुख दे सकूँ, परिवार के लोगों को भी सुख दे सकूँ, उन्हें गर्व का अनुभव हो, प्राउड फील करा सकूँ। तो बहुत प्रयास करने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि सक्सेस नहीं मिलती है, ये लक की बात है। तो आपके भाग्य को मजबूत कैसे बनाया जाए, सफलता में, नौकरी मिलने में जो अड़चनें, जो बाधाएं आ रही हैं, उन्हें दूर कैसे किया जाए कि आपको अच्छी मनचाही नौकरी मिले, अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज मिले, आज इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला उपाय, सुबह सुबह पक्षियों को दाना खिलाने से नौकरी मिलने में जो भी अड़चनें आ रही होती हैं, वो बहुत आसानी से, बहुत सरलता से दूर हो जाती हैं। पक्षियों को रोजाना 7 प्रकार के अनाज, जिसे सतंजा कहते हैं, उन्हें मिलाकर के डालने से नौकरी अवश्य मिलती है और अच्छी मनचाही नौकरी प्राप्त होती है। ये बहुत ही माना हुआ, बहुत ही हजारों लाखों बार टेस्ट किया हुआ नुस्खा है, टोटका है। इसको करने से कोई आपको संशय रही नहीं जाता मनचाही नौकरी प्राप्त करने में। नौकरी पाने के लिए महीने के पहले सोमवार को सफ़ेद कपड़े में काले चावल बांध करके माँ काली को आप समर्पित करें। ये बहुत अच्छा उपाय होता है। चावल को आप थोड़ा सा रंग सकते हैं काले रंग से और आप इसको जो है माँ काली के मंदिर में ले जा करके पोटली उनके चरणों में रख करके चले आए। तीसरा उपाय है, इंटरव्यू में जाने से पहले एक नींबू ले लीजिए, उसके ऊपर चारों दिशाओं में एक लौंग गाड़ दीजिए। आपको ध्यान ये रखना होगा कि नींबू जो हो वो बेदाग हो, उसमें कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का काला धब्बा जो है नींबू पे ना हो। 4 साबुत लौंग लीजिए जिसमें फूल हो और चारों दिशाओं में एक एक लौंग जो है आप गाड़ दीजिए। इसे लेकर के ओम श्री हनुमते नमः का 108 बार जाप कर लें और फिर अपने पास इस नींबू को रख लें और जब भी आप इंटरव्यू में जाएं तो इस नींबू को साथ लेकर के जाएं, आपको नौकरी जल्द ही मिलेगी। जब आप इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे हैं तो इस नींबू को आप अपने घर में पूजा स्थान में रख दीजिए। जब ये नींबू आपको लगे कि अब सूख रहा है, खराब हो रहा है या अभी इंटरव्यू आपका हाल फिलहाल में नहीं है और ये खराब हो जाएगा, तो घर के आसपास किसी भी जलाशय में इसको आप प्रवाहित कर सकते हैं जहाँ किसी का पाँव ना लगे। अच्छी नौकरी की प्राप्ति के लिए बजरंग बली यानी हनुमान जी की पूजा आराधना आपको करते रहना चाहिए। अपने घर में भगवान हनुमान की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें उनका उड़ता हुआ चित्र हो। रोजाना आप उनकी पूजा करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण आदि का पाठ करें, आपकी समस्त बाधाएं अड़चने समाप्त हो जाएंगी और जल्द ही आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगी। इंटरव्यू में जाते समय गाय को गुड़ चना या आटे के पेड़े में गुड़ और चने की दाल रख करके खिलाने से भी नौकरी प्राप्त होने की संभावनाएं और मजबूत हो जाती हैं, उसके योग और मजबूत होते हैं। आपको ध्यान ये रखना होगा कि अपने हाथों से गाय को ये खिलाएं, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। गाय के सामने फेंक देने मात्र से ही ये उपाय काम नहीं करता। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो उस दिन सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लें। स्नान के पानी में थोड़ी सी पिसी हल्दी यानी हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर आप मिला लें। इसके बाद भगवान के सामने 11 अगरबत्ती जला करके आप अपनी इच्छा कहें। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और नौकरी प्राप्ति के योग आपके लिए मजबूत होंगे।
हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करें तो जीवन में आ रही सभी बाधाएं, सभी परेशानियां, अड़चने दूर होती हैं। हर शनिवार को उनकी पूजा करते हुए ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। आपकी राशि के ऊपर जितनी भी बाधाएं हैं सभी दूर हो जाएंगी और शीघ्र ही आपको नौकरी प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। इंटरव्यू देने से पहले घर से दही और चीनी खा करके निकलना या गुड़ और दही खा करके आपको निकलना चाहिए। घर से निकलते समय अपना दाहिना पांव यानी राइट लेग आप दहलीज से घर से सबसे पहले बाहर रखें। बड़े बुजुर्गों की ये कही गई बात जो है बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही कारगर है। परिवार के जितने भी बड़े लोग हों उनका आशीर्वाद लेकर के ही आपको घर से निकलना चाहिए। जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद आपको अपने घर के पूजा स्थान में पूजा जरूर करनी चाहिए और संभव हो तो एक पीला तिलक जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कॉरपोरेट कल्चर में लोग आपका मजाक उड़ाएंगे तो आप अपनी नाभि पर तिलक लगा सकते हैं जहाँ किसी को वो दिखाई नहीं देगा। जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हों उस दिन हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें। आप इंटरव्यू में सफल होकर के ही लौटेंगे, ऐसा योग जो है हनुमान जी की कृपा से अवश्य बनेगा। तो मित्रों आशा करता हूँ कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। इन उपायों और टोटकों में किसी भी तरीके का कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, एक पैसे का खर्च नहीं है, सब सारी चीज़ें घर के अंदर ही उपलब्ध होती हैं। तो कोई भी एक बेरोजगार युवक जो संघर्ष कर रहा हो अपने जीवन में वो इन उपायों को, इन टोटकों को करके अच्छी मनचाही नौकरी और सफलता प्राप्त कर सकता है। आप सभी से बार बार आग्रह करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन फ़ोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997241। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।